हेलो दोस्तों, मैं तुहाडा स्वागत करता हाँ आज दी इस नवी वीडियो विच। मैं आशा करता हाँ कि तुसी प्रभु यीशु मसीह दे अनुग्रह दे विच ठीक ठाक होवोगे। तो चलो दोस्तों, अज आपां बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ते गल करांगे जो कि हर मसीही नूं जां फिर हर व्यक्ति नूं जानना चाहिदी है। जी हाँ दोस्तों, बपतिस्मा सानूं क्यों लेना चाहिदा है अते हर व्यक्ति नूं बपतिस्मा क्यों लेना जरूरी है। तो आओ दोस्तों देखते हाँ इस वीडियो दे विच। पहली गल, बपतिस्मा की है? इसलिए असी बाइबल विच जावांगे। पहला पत्रस 3:21 दे विच इंज लिखा है, इस शरीर की मैल धोना नहीं पर शुद्ध मन नाल परमेश्वर नूं खोजना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहिंदे ने जदों असी पानी दे विच डुब के बाहर आउंदे हाँ तां उस नूं बपतिस्मा कहिंदे ने, जिस नाल साडे पाप धुल जांदे ने। ये गल सही भी है, पर इस दा आत्मिक रीजन ये है कि जदों तुसी बपतिस्मा लैंदे हो तां तुहाडा कम्युनिकेशन, तुहाडा संबंध परमेश्वर दे नाल स्थापित हो जाता है। तो हुण तुहाडी जिम्मेवारी बनती है कि तुसी उस नूं खोजो तां उह तुहानूं मिल जाएगा। तो आओ आपां विस्थार नाल समझदे हाँ बपतिस्मे दा अर्थ। पहली गल, परमेश्वर दे नाल संबंध बनाउणा, परमेश्वर दे नाल वाचा बांधना। दूसरी गल, अपने अंदर दे बदलाव नूं बाहर प्रगट करना। तीसरी गल, मसीह जीवन दे विच जीण दी शुरुआत। चौथी गल, कलीसिया जो प्रभु दा परिवार है उस दे विच स्वागत होना। दोस्तों, बपतिस्मा तीन प्रकार दा है। पहला बपतिस्मा जल दा जो शरीर दा उद्धार करदा है। दूसरा बपतिस्मा आत्मा दा जो प्राणा दा उद्धार करदा है। तीसरा बपतिस्मा अग दा जो आत्मा दा उद्धार करदा है। ये तीनों बपतिस्मियां दा जिक्र 3:11 विच भी लिखा होया है। दोस्तों, जो जल दा बपतिस्मा है वह प्रभु दा दास सानूं दिंदा है, पर दूसरा अते तीसरा प्रभु यीशु ही सानूं दिंदा है। हुण गल आउंदी है कि बपतिस्मा लेना जरूरी है। पहली गल, प्रभु यीशु दे पिछे चलण दे लई बपतिस्मा लेना है, जो कि असी मरकुस 1:9 विच पढ़दे हाँ। दूसरी गल, परमेश्वर की धार्मिकता नूं पूरा करन दे लई बपतिस्मा लेना है, जो कि असी पढ़दे हाँ 3:15 दे विच। तीसरी गल, परमेश्वर की आग्या नूं पूरा करन दे लई बपतिस्मा लेना है, जिवें कि 28:19 विच अते 7:30 विच लिखा है। चौथी गल, उद्धार पाउण दे लई बपतिस्मा लेना है, जो कि 16:16 विच लिखा है। मसीह नूं पहनण दे लई बपतिस्मा लेना है, जिवें कि 3:27 विच लिखा है। छेवीं गल, स्वर्ग दे विच जाण लई बपतिस्मा लेना है, जिवें कि 3:5 विच लिखा होया है। दोस्तों, अहम ते जरूरी गल, दोस्तों बपतिस्मा लैण नाल किसी का भी धर्म नहीं बदलता, बल्कि बपतिस्मा लैण नाल तुसीं हर एक धर्म तो आज़ाद हो जाते हो जो कि इंसान दे बनाए हुए होंदे हन। और बपतिस्मा लैण तो बाद तुसीं पवित्र शास्त्र बाइबल नूं जानना शुरू करते हो, तो तुहानूं समझ आउण लग जाता है कि इंसान का धर्म तो कोई है ही नहीं। इंसान का सिर्फ एक ही धर्म है, जो कि इंसानियत है। अते पूरी बाइबल विच किते भी इस तरह नहीं लिखा कि बपतिस्मा लैण तो बाद तुहाडा धर्म बदल गया, बल्कि बाइबल विच लिखा है बपतिस्मा लैण नाल तुसी नवे इंसान बन गए हो, जो कि हर इंसान नाल प्यार करन वाला है। हुण तुसी किसे भी धर्म दे नहीं रहे। जिस तरह असी बाइबल दे विच कलीसिया 3:9-11 तक जो पढ़ते हाँ, तो इस प्रकार लिखा है, तुसी पुरानी इंसानियत नूं उहदियां कम्मां थणे ला सुट्टिया है अते नवीं नूं पहन लिया है, जो पूर्ण ज्ञान लई अपने सिरजनहार दे रूप दे उत्ते नवीं बनदी जांदी है। उत्थे जुनानी अते यहूदी, सुनती अते असुनती, वैशी अते सकूथी, गुलाम अते आज़ाद कोई भी ना हो सकता, पर मसीह सब कुछ अते सारिआं विच। मतलब कि दोस्तों, हुण तुहाडा कोई धर्म, जात पात, ऊच नीच नहीं रहा, बल्कि हुण तुहाडा एक ही धर्म है, जो परमेश्वर अते इंसानां दी सेवा करना, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कीती अते अज भी कर रहे ने। दोस्तों, बपतिस्मा किसी नूं भी विश्वासी नहीं बनाउंदा, पर विश्वास करन वालिआं दा चिन्ह, मतलब कि निशान, बपतिस्मा है। दोस्तों, वीडियो नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करना, ताकि जिन्हां लोकां दीआं बपतिस्मे नूं लैके गलत फहमियां ने
कि बपतिस्मे दे नाल लोकां दा धर्म बदल जांदा है, वह अपनी गलत फहमी विचों बाहर आउण। अते जेकर तुसीं भी बपतिस्मा लेना चाहुंदे हो तां अपनी कलीसिया दे पासवान नूं मिलो, प्रभु तुहानूं ब्लैस करे। मिलदे हां अगली वीडियो दे विच। सारिआं नूं जय मसीह दी।